हाय फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम ही लेटेस्ट न्यूज जो अब से आप जब लेक्चर देख रहे हो इससे तीन चार घंटा पहले ही गवर्नमेंट ने रिलीज किया है दिसंबर 2022 का इन्फ्लेशन डेटा विच इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग एग्जाम सिड बी जो कि अट्ठाईस जैन को है बट दैट डजेंट मीन कि ये बाकी एग्जाम जो कि आर से भी नबार्ड इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है राइट right. सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन वेलकम टू एक्स एम बी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक से इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं हम इन्फ्लेशन का मतलब क्या है इन्फ्लेशन को दो यूनिट में बांटा गया है राइट right? मतलब सी इन्फ्लेशन मतलब महंगाई अब इसको मापने का कोई तो यूनिट होगा सो यूनिट इज वन इज सी पी आई द अदर इज डब्ल्यू पी आई सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब रिटेल इन्फ्लेशन इसको क्या बोलते हैं रिटेल मतलब आपके मेरे लिए क्या इन्फ्लेशन है मार्केट में ये मार्केट प्राइस के ऊपर में डिटरमाइंड होता है सीपीआई डब्ल्यू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब इसको हम सप्लायर भी बोलते हैं सप्लायर साइड इन्फ्लेशन ठीक है सो सीपीआई का डाटा कौन देता है एम के अंडर में एक ऑफिस है नेशनल स्टेटिकल ऑफिस वो ये डाटा को रिलीज करते हैं जो कि अब से कुछ तीन चार घंटा पहले उन्होंने रिलीज किया है दिसंबर के मंथ का यानी मंथली डाटा है डब्ल्यू पी का डाटा कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बट अगेन इनके अंदर एक ऑफिस आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर न्यू दिल्ली कौन है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर न्यू दिल्ली ठीक है तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीआई का डाटा कौन देता है एंड डब्ल्यूपीआई का डाटा कौन देता है एंड आई होप ये क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं आगे सीधा-सीधा डाटा क्या है आपको याद क्या रखना है तो आपको याद रखना है यह नंबर 5.72 कितना फ़ाइव पॉइंट सेवन टू परसेंटेज देखो आप न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर में फ़ाइव पॉइंट सेवन हिसाब से रिपोर्ट हुआ है मतलब मैं ये जो लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ साढ़े छः बजे के आसपास तो मैंने जितने सारे न्यूज़पेपर देखे राइट दो तीन न्यूज़पेपर में ये आ गया है ऑलरेडी दे हैव रिपोर्टेड इट एज़ फाइव पॉइंट सेवन अगर आपको परीक्षा में 5.72 पूछे तो जवाब 5.72 होगा ये चीज़ आप ध्यान दो बिकॉज ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हो ये पी का डेटा है मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एग्जैक्टली वही डेटा जो डेटा गवर्नमेंट ने देश के सामने रखा है राइट तो क्या आपको याद करना है 5.72 ठीक है तो 5.72 मतलब आर बी का जो टॉलरेंस बैंड है दो से छ परसेंट उसके बीच में आ गया है इन्फ्लेशन तो दिस शोज़ दैट आर बी आई हैज़ डन इट राइट क्योंकि आर बी आई ने दो हजार बाईस में तो कंटिन्यूस क्या बढ़ाया है रेपो रेट को उन्होंने कंटिन्यूस बढ़ाया है राइट एंड बिकॉज ऑफ दैट मेजर बाय द आर बी आई द इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल तो अभी फरवरी के मंथ में जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होने वाला है वो देखने वाला बात होगा वहाँ पर आर बी आई क्या करने वाली है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कि कंट्रोल में आ गया है फिर से रिपोर्ट को बढ़ाएगी या कॉन्स्टेंट रखेगी अगेन दैट इज द टाइम वो टाइम ही बताएगा उससे पहले डब्ल्यू का डेटा भी आ जाएगा तो और क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या होने वाला है ठीक है सो फ्रेंड्स विद दिस वी आर डन लेट्स मीट इन सम अदर लेक्चर टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद आई एक्स एम बी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर आई एक्स एम बी हेल्प्स यू प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्टर विद दिस काइंड ऑफ शॉर्ट क्रिस्प एंड बहुत ही टारगेटेड वीडियो ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल का वीडियो है सो बाय बाय